बात करेंगे खरीफ की फसलों की, जिसकी बुवाई इन दिनों जोरों पर है। दरअसल प्रदेश में ज्यादातर जिलों में खरीफ की फसलों की बुवाई का काम अब पूरा हो गया है। कृषि विभाग के आंकड़ों में प्रदेश में 90% बुवाई पूरी हो चुकी है। अब किसानों को यूरिया की दरकार है। ऐसे में कृषि विभाग ज्यादातर मांग वाले जिलों में यूरिया की आपूर्ति करने में जुटा हुआ है। खरीफ की फसलों की मौजूदा स्थिति के लिए देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान में खरीफ की फसलों में सबसे ज्यादा बाजरा की बुवाई होती है। इस वर्ष अब तक 40 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबे में बाजरा की बुवाई की जा चुकी है। कृषि विभाग ने खरीफ फसलों की कुल क्षेत्र में बुवाई का जो लक्ष्य रखा था, उसके मुकाबले विभाग अब तक 90% लक्ष्य हासिल कर चुका है। पूर्वी राजस्थान में जहां ज्यादातर जिलों में बुवाई पूरी हो चुकी है, वहीं पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में बुवाई होना बाकी है। केवल अरंडी की बुवाई कुछ जिलों में बकाया चल रही है, जबकि पूरे राजस्थान में सोयाबीन, मूंग, मोठ, ज्वार, मक्का, उड़द आदि फसलों की बुवाई हो चुकी है। जिन जिलों में फसलों में निराई का काम पूरा हो चुका है, वहां पर बारिश होने के बाद ही यूरिया की डिमांड बढ़ती जा रही है। हालांकि इन दिनों राजस्थान में फसलों में निराई करने की बजाय खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग बढ़ा है। ऐसे में कृषि विभाग किसानों की जरूरतों के मुताबिक सभी जिलों में कीटनाशी और खरपतवार नाशी रसायन उपलब्ध करा रहा है। करीब 44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरा की बुवाई की जा रही है। करीब 24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मूंग की बुवाई की जा रही है। 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ग्वार की बुवाई हो रही है। 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बुवाई हो रही है। 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मोठ की बुवाई हो रही है। 9 लाख हेक्टेयर में मक्का, 6 लाख हेक्टेयर में ज्वार की बुवाई हो रही है। करीब 5.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उड़द की बुवाई हो रही है। खरीफ में 164.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुवाई का लक्ष्य है, जिसमें से अब तक करीब 149 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुवाई हुई है। राजस्थान के अंदर जून के अंतिम सप्ताह में मानसून ने प्रवेश किया और पूरे राजस्थान को कवर करते हुए बहुत अच्छी बारिश रही है और मानसून में कोई भी प्रकार का ब्रेक नहीं आया। इस बार सबसे सौभाग्यशाली यह रहा है कि वर्षा का जो फैलाव है वो पूरे राजस्थान को कवर किया है। हालांकि कुछ जगह पे अतिवृष्टि हुई है निसंदेह। हमारा जो बुआई का लक्ष्य था 1.64 करोड़ हेक्टेयर में, उस लक्ष्य की हम 90% से अधिक बुआई पूर्ण कर चुके हैं। कुछ अरंडी और जो विलंब से बोई जाने वाली फसलें हैं उनकी बुआई इस समय चल रही है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ बुआई का कार्य पूर्ण हो गया है। राजस्थान में खरीफ की फसलों की बुआई 19 जून से ही शुरू हो गई थी। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर आदि जिलों में बाजरा, ज्वार और अन्य फसलों की बुआई जून के अंतिम सप्ताह तक पूरी हो गई थी। ऐसे में इन फसलों में अब यूरिया की डिमांड बढ़ रही है। इसे देखते हुए कृषि विभाग किसानों की जरूरत के मुताबिक यूरिया उपलब्ध करा रहा है। प्रदेश में डीएपी जरूरत से ज्यादा उपलब्ध है। अभी 1.13 लाख मीट्रिक टन डीएपी काम नहीं आया। खरीफ की फसलों में 8 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत है। अब तक राज्य को करीब 6.25 लाख मीट्रिक टन यूरिया मिल चुका है। 15 अगस्त तक पूरा 8 लाख मीट्रिक टन यूरिया मिल जाएगा। हालांकि अभी भी किसानों के लिए 2.70 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। इस समय डीएपी हमारे पास में बुआई का कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत भी लगभग 1,13,000 मीट्रिक टन खाद हमारे पास उपलब्ध है। ये खाद इस समय कैरी फॉरवर्ड होकर आगे रबी की बुआई में काम आएगा। इसी प्रकार यूरिया की बात करें तो यूरिया हमारे को फुल सीजन में 8 लाख मीट्रिक टन चाहिए था और आज दिनांक तक लगभग 6.25 लाख मेट्रिक टन यूरिया राज्य के अंदर उपलब्ध करवाया जा चुका है और निरंतर आवक जारी है। प्रदेश में बारिश की अच्छी स्थिति से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। मॉनसून का ये सीजन लगातार बने रहने से खरीफ की फसलों का उत्पादन अच्छा रहने की उम्मीद है। कृषि विभाग भी लगातार किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि खरीफ की फसलों में डीएपी और यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता रबी सीजन की फसलों के दौरान भी बनी रहेगी। जयपुर से फौसिडिया के लिए काशीराम चौधरी की रिपोर्ट।